दोस्तों आज मैं बात करने वाले MI के ईयर स्पोर्ट्स ब्लूटूथ ईयरफोन के बारे में जो उन्होंने लॉन्च किया 28 फेब को, और इसमें क्या है अच्छा और क्या है बुरा, और इसकी जो प्राइसिंग है ये क्या आपको लेना वर्थ है। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हो हैप्पी गाइड्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। ईयरफोन मैंने काफी टाइम तक यूज किया और मैंने कुछ आइडेंटिफाई किया, कुछ ऐसी बातें, मतलब कुछ अच्छी बातें और कुछ बुरी बातें। तो सबसे शुरू करते हैं सबसे अच्छी बातों में। तो अच्छी बातों में सबसे इस हेडफोन की अच्छी बात है कि इसमें आपको 9 घंटे की बैटरी लाइफ मिलती है। 9 घंटे की बैटरी लाइफ देना मतलब कोई भी ब्रांड आपको इतना लॉन्ग लास्टिंग बैटरी लाइफ नहीं देता। दूसरी बात कि इसमें आपको गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट मिलता है, मतलब आपको उसमें जो ईयरफोन में माइक है वो गूगल असिस्टेंट को अनेबल्ड है और प्रॉपरली काम करता है। और तीसरी बात, इस ईयरफोन में माइक है तो माइक के थ्रू आप कॉल्स वगैरह भी रिसीव कर सकते हो, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि इस ईयरफोन का जो वायर है, ठीक है, स्वेट प्रूफ है। मतलब अगर आप जॉगिंग कर रहे हो, जिम जा रहे हो, उसमें जो पसीने वगैरह होंगे तो उससे इस ईयरफोन को कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो ये हो गई कुछ अच्छी बात। अब बात करते हैं कि इसमें क्या बुरा है और आपको क्यों नहीं लेना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा पर्सनल ओपिनियन रहेगा आप सभी हमारे जितने भी व्यूअर्स के लिए। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट, अगर आप ईयरफोन कोई भी लेते हो तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि म्यूजिक आप कितना उसका अच्छा है। तो इसमें आपको, इस ईयरफोन में आपको साउंड क्वालिटी है जरा भी देखने नहीं मिलेगी उसका। भले ही उसका ऑडियो काफी लाउड है लेकिन जो साउंड का इफेक्ट है, जो बेस इफेक्ट होता है, वो इतना अच्छा नहीं है। जो ट्रिपल वो साउंड डेप्थ इफेक्ट, वो आपको इस ईयरफोन में जरा भी देखने नहीं मिलेगा। अगर आप एक म्यूजिक लवर हो और आपको म्यूजिक में बेस बहुत पसंद है तो इस ईयरफोन में आपको बेस जरा भी देखने नहीं मिलेगा। हालांकि इसका जो ऑडियो है काफी लाउड है तो आप जब भी लगाओगे तो आपको बाहर की आवाज सुनाई नहीं देगी, लेकिन वो लाउडनेस भी किस काम का जिसमें आपको बेस अच्छा ना मिले या अच्छा डेप्थ ना मिले। दूसरी बात, इसमें नॉइस कैंसिलेशन नहीं है। MI से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एटलीस्ट इसमें अगर नॉइस कैंसिलेशन दिया होता तो काफी अच्छा होता। मतलब आप नॉइस कैंसिलेशन के थ्रू आपकी बाहर की आवाज आपको जरा भी सुनाई नहीं देती। इवन आप कॉल भी रिसीव करो तो आपको बाहर बैकग्राउंड म्यूजिक भी काफी उसमें सुनाई देगा, बैकग्राउंड नॉइस जो है इस ईयरफोन में आपको देखने मिलेगा। और तीसरी बात, इस ईयरफोन का जो वायर होता है, वायर का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है। लेकिन ये तो आई थिंक आप काफी टाइम यूज करने के बाद ही इस पे कमेंट कर सकते हो कि वो अच्छा है या नहीं, क्योंकि एज इफ नाउ उसको देख के ऐसा लगता है कि क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। लेट्स सी क्या होता है फ्यूचर में। तो दोस्तों, अगर आप एक म्यूजिक लवर हो तो ये ईयरफोन आपके लिए नहीं है, क्योंकि इसमें जो बेस का क्वालिटी है काफी डाउन है। और इसी के साथ साथ अगर आप एक ऐसे यूजर हो जिनको म्यूजिक लाउडली काफी पसंद है तो ये ईयरफोन आपके लिए परफेक्ट होगा। और सेकेंडली, आप अगर स्पोर्ट्स पर्सन हो तो ये स्वेट प्रूफ ईयरफोन है तो उन लोग के लिए भी काफी परफेक्ट ये ईयरफोन हो सकता है। लेकिन खरीदने के पहले ये तो जान लेते हैं इसका प्राइस क्या है। इसका प्राइस है 1499, मतलब 1500 रुपए के आसपास में ये आपको ईयरफोन मिल रहा है, जिसमें बेस भी अच्छा नहीं है और बिल्ड क्वालिटी का भी मैं कहूँगी ओके है। तो अभी आपके ऊपर है कि आपको ईयरफोन लेना है कि नहीं। मेरे हिसाब से मैं रिकमेंड नहीं करूंगा इस ईयरफोन को। आपको लेना है तो ये फ्लिपकार्ट और MI की साइट पे अवेलेबल है, आप यहाँ से परचेस कर सकते हो। तो दोस्तों, यही थे सारे डिटेल्स इस MI स्पोर्ट्स ईयरफोन के बारे में। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, जो लोग नए सब्सक्राइब करो हमारे हैप्पी गाइड चैनल को। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग हैप्पी गाइड। बाय बाय। और सब्सक्राइब करने का बेल आइकन भी दबा देना। टन टन टन।